हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। तो मैं भाई आज की वीडियो में यार हम बात करने वाले आप अपने हेयर्स को भाई ऐसे कैसे कर सकते हो। तो भाई आज भाई कुछ भी बोलने से पहले आप खुद देख सकते हो भाई कितना अच्छा वॉल्यूम मेरे हेयर्स में आ चुका है। तो भाई आपको मैं बताने वाला हूँ ये मैंने कैसे किया है। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। स्किप करोगे तो मेरे भाई कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरे भाई वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। तो मेरे भाई आपने स्टार्टिंग में भाई ट्रेलर देख लिया होगा भाई वीडियो में भाई कितना अच्छा भाई हेयर स्टाइल मेरा बन चुका है और भाई कितने अच्छे से मेरे बाल खड़े हो चुके हैं। तो भाई इतना अच्छा वॉल्यूम भाई आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा भाई। कई यूट्यूबर क्या बोलते हैं भाई कितने बड़े बड़े हेयर्स भाई खड़े नहीं होते। तो भाई आपका भाई आपको बताएगा आप कैसे खड़े कर सकते हो। तो मेरे भाई आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई, आपका भाई आ चुका आपके लिए वीडियो लेके। तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पे सेलेक्ट कर लेना। तो भाई बात करते हैं यार आप ऐसे हेयर्स कैसे कर सकते हो। तो भाई इसके लिए भाई आपको सबसे पहले अपने हेयर्स को वॉश करना है। तो भाई मैं अपने हेयर्स को वॉश करके आता हूँ और आगे आपको बताता हूँ आगे आपको करना क्या है। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको अपने हेयर्स वॉश कर लेना है। फिर वॉश करके भाई आपको टॉवल ड्राई करना है अपने हेयर्स को। भाई आपको अपने हेयर्स भाई इतना भाई बिल्कुल टॉवल ड्राई नहीं करना और भाई आपको इजी भाई टॉवल ड्राई करना है भाई हल्के हल्के हाथों से। ऐसा नहीं भाई आप गस्से मार रहे हो, जोर जोर से गस्से मार रहे हो और भाई आपके हेयर्स भाई उखड़ रहे हो और भाई आप हेयर स्टाइल बनाने की सोच रहे हो। तो मेरे भाई आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ये करते हो तो भाई आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है भाई, हेयर फॉल होने वाला है। तो भाई आप यार हेयर्स भाई बिल्कुल नाजुक होते हैं। तो भाई आपको बिल्कुल नाजुक तरीके से इनको भाई रफ करना है और आराम से भाई इनको टॉवल ड्राई करना है। तो मेरे भाई आपको अपने हेयर्स में टॉवल ड्राई कर लेना है। टॉवल ड्राई करने के बाद आपको करना क्या है मेरे भाई, आपको अपने हेयर्स में भाई कोकोनट ऑयल यूज करना है। कोकोनट ऑयल ही क्यों भाई, ये आपको मैंने भाई पहले वाली वीडियो में बता रखा है और भाई आपका भाई भी खुद कोकोनट ऑयल ही यूज करता है क्योंकि भाई इतना अच्छा ऑयल है। आपके हेयर्स को भाई सबसे पहले ऑयल ही नहीं दिखाता और भाई आपके हेयर्स भाई इतने अच्छे भाई सुनहरे दिखते हैं भाई, देख सकते हो आपको भाई कितना अच्छा लुक मिलता है इससे। तो भाई आपको कोकोनट ऑयल ही यूज करना है और भाई आप भाई अपने भाई की वीडियो को भाई देखा करो भाई, बिल्कुल भी इसकी मत किया करो क्योंकि भाई ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है कि भाई कोकोनट ऑयल ही क्यों यूज करे, हमारे पास भाई और भी बहुत सारे ऑयल है। तो मेरे भाई आप ऐसी छोटी छोटी चीजें स्किप करते हो और भाई आप फिर बोलते हो भाई हमारे हेयर्स में भाई क्या भाई हमारे हेयर तो खड़े नहीं हो रहे। तो भाई ऐसी चीजों के लिए भाई आपको अपने भाई की वीडियो देखनी चाहिए और भाई स्किप नहीं करना चाहिए। तो मेरे भाई आपने भाई पहले वाली वीडियो पे भाई बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, उसके लिए भाई दिल से धन्यवाद भाई। मेरे को भाई विश्वास नहीं होता कि भाई इतने अच्छे व्यूज मेरे आ सकते हो, आप इतना अच्छा सपोर्ट दिखा सकते हो। तो मेरे भाई उसके लिए भाई आपके भाई धन्यवाद। तो मेरे भाई कोकोनट ऑयल यूज करने के बाद आपको करना है अपने हेयर्स में हेयर ड्रायर का यूज करना है। तो भाई हेयर ड्रायर भी आपका भाई हेयर ड्रायर यूज करने का भी एक सही तरीका है जो कि भाई आप लोगों को भाई 100% मैं बोल सकता हूँ, आप लोगों को नहीं पता है। तो भाई उसके लिए भाई आपको उसी लिए बोलता हूँ भाई मेरी वीडियो भाई पूरी देखा करो भाई, स्किप मत किया करो। स्किप करते हो तो भाई आपको ये छोटी छोटी बातें एक नॉलेज नहीं होता है। तो भाई नॉलेज लो भाई इन बातों का क्योंकि भाई उससे भाई आपके हेयर्स डैमेज हो जाते हैं। अगर भाई आप ऐसे ही मार लेते हो हेयर ड्रायर तो भाई आपको पता है भाई आपके हेयर्स भाई उड़ने लग जाते हैं। फिर आप मेरे को भाई कॉमेंट में आके गाली देते हो कि भाई आपने भाई हमारे हेयर्स उड़ा दिए। तो भाई मैं आपको भाई सबसे पहले भाई बोलता हूँ कि भाई आप स्किप मत करना और ये बात भाई मैं 5 से 6 बार बोलता हूँ अपनी पूरी वीडियो में क्योंकि भाई मेरे को पता है भाई कि आप भाई हेयर ड्रायर जब भी करते हो तो भाई ऐसे ही मारने लग जाते हो और भाई फिर बोलते हो भाई हमारे हेयर्स उड़ने लग गए भाई मेरे तो सेट भी नहीं हो रहे। तो भाई यार इसीलिए बोलता हूँ वीडियो को स्किप मत किया करो। तो भाई हेयर ड्रायर यूज करने का सही तरीका भाई आप देख सकते हो। आपको भाई अपने हेयर्स में भाई हेयर ड्रायर जब भी करो तो भाई आपको ऊपर के साइड हेयर ड्रायर करना है, जैसे भाई आपको भाई आपके हेयर्स की जड़ में नहीं देना है हेयर ड्रायर। आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि भाई अगर आप जड़ में हेयर ड्रायर देते हो तो भाई आपके हेयर्स डैमेज होने वाले और भाई डैमेज क्या भाई बहुत बुरी तरह डैमेज होने वाले हैं। तो मेरे भाई आपको भाई मैं हिंदी में समझाता हूँ भाई, उसके लिए भाई सॉरी अगर भाई ऐसा मत बोलना कि भाई ये गांव से है। तो भाई मैं गांव से हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे भाइयों को भाई हिंदी में समझाना चाहता हूँ। मेरे को पता है भाई अगर भाई कोई भाई ऐसे होते हैं भाई मेरी तरह जिनको भाई इंग्लिश समझ नहीं आती तो भाई मैं हिंदी में ही वीडियो बनाता हूँ और भाई जो भी बोलता हूँ हिंदी में बोलता हूँ। तो मैं भाई इतनी आसानी से समझाता हूँ, उसके लिए एक लाइक कर देना। तो भाई आपको भाई ऊपर की साइड करना है, जैसे हेयर ड्रायर मैं कर रहा हूँ, देखो भाई ऊपर की साइड ऐसे इधर से आपको इसका मुंह जो है ऊपर की साइड रखना है क्योंकि भाई अगर आप ऊपर की साइड मुंह रखते हो तो भाई आपके हेयर्स डैमेज नहीं होंगे और भाई आपके हेयर्स भी अच्छे सेट हो जाएंगे। तो भाई आपको दोनों साइड से हेयर ड्रायर कर लेनी है, जैसे भाई इधर से ही मार ली और इधर से ही मार ली। पर भाई आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, आपको भाई अपने हेयर्स को भाई पीछे की साइड नहीं मारना है बिल्कुल, आपको अपने हेयर्स को भाई इधर पीछे से मारना है आगे की साइड और इधर पीछे से मारना है थोड़ा सा आगे की साइड हेयर ड्रायर मारना है और भाई इधर से इस साइड मारना है और इधर से इस साइड मारना है और आगे के हेयर्स को ऊपर की साइड मारना है। तो मेरे भाई आपको भाई जब हेयर ड्रायर करो तो भाई कॉम्ब का यूज मत करना, अगर भाई कॉम्ब का यूज करोगे तो भाई आपके हेयर्स भाई बिल्कुल भाई पीछे की साइड हो जाएंगे और भाई बिल्कुल गिर जाएंगे, पीछे की साइड गिर जाएंगे मेरे भाई, आपके हेयर्स खड़े नहीं होंगे। तो भाई इस चीज का भाई सच बताना भाई आपको पहले नहीं पता था। तो भाई इसीलिए बोलता हूँ भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, आपका भाई बढ़िया वीडियो बनाता है आपके लिए। भाई मेरे को अच्छी लगती है भाई, आपको भी अच्छी लगती होगी तो भाई कोई दिक्कत नहीं यार, वो आप पे डिपेंड करता है, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना वरना कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैं भाई आपको भाई जब भी हेयर ड्रायर करो तो भाई आपको कॉम का यूज नहीं करना, आपको भाई अपनी उंगलियों का यूज करना है। जैसे भाई हेयर ड्रायर करोगे तो ऐसे इधर से करने तो आप ऐसे कर सकते हो, इधर से करने तो आप ऐसे कर सकते हो। तो मेरे भाई फिर आपको भाई ऐसे ऐसे करके अपने हेयर्स को भाई सेट करना है उंगलियों की सहायता से। तो भाई आपको भाई उंगलियों से सेट करना है और भाई बाद में आपको एक बार कॉम यूज करना है, उसके बाद भाई एक बार आपको उंगलियों से सेट करना है, जिससे आपके हेयर्स भाई बिल्कुल भाई एकदम अच्छा वाला वॉल्यूम आपके हेयर्स में आने वाला है। तो भाई वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। जिन भाइयों के भाई अगर हेयर्स भाई नीचे पड़े रहते हैं आपके दोस्तों के, तो भाई चंपू से लगते हैं, उससे भाई आपको भाई एक भाई बिल्कुल खत्म सी लुक मिलने वाली है। तो भाई आप हेयर्स खड़े करते हो तो भाई आपको एक अच्छी लुक मिलने वाली है, आप गुड लुकिंग दिखने वाले हो। तो मैं भाई वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और भाई आप देख सकते हो मैंने दो तीन दिन पहले वीडियो डाली थी, उसमें भाई मैंने बोला था मेरे फेस पे भाई 2-3 पिंपल है। तो भाई आप देख सकते हो मेरे अब फिलहाल में एक भी पिंपल नहीं है। तो भाई वीडियो कैसी लगी, वीडियो को स्टार्टिंग से और एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को सेलेक्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।